अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामचंद्र परमहंस की समाधि पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन, परमहंस रामचंद्र दास को अर्पित की श्रद्धांजलि। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी की अपील, कहा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक घरों और सोशल मीडिया पर लगाए तिरंगा, लोगों को आपस में जोड़ता है तिरंगा। बुलंदशहर में इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, घायल हुआ हिस्ट्री शीटर बदमाश, पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में सरेरा युवक की लोगों ने की पिटाई, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, युवक की बाइक से महिला को लगी थी चोट, पुलिस ने पीड़ित युवक पर ही दर्ज किया मुकदमा। इटावा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, तीन की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर रूप से घायल, थाना एकदिल इलाके के NH2 की घटना, सीएम ने जताया दो। हमीरपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में करोड़ों का घोटाला, बैंक के कैशियर पर गबन का आरोप, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप, रीजनल हेड और डेप्यूटी जोनल हेड कर रहे हैं जांच। उत्तराखंड में 2 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट, कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना, बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 131 सड़क मार्ग बाधित। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से यमुनोत्री यात्रा रोकी गई, भनेली के पास लैंडस्लाइड से सड़क का 20 मीटर हिस्सा धंसा, सुरक्षा के लिए प्रशासन ने रोकी यात्रा। उत्तराखंड में टिहरी के पास NH58 बंद, लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर पत्थरों के आने से रुका यातायात, प्रशासन ने रास्ता साफ करने के लिए JCB मशीन लगाई। हल्द्वानी में उफनती नदियों का कहर, सड़क पार कर रहे 2 युवक बाल बाल बचे, तेज धार में बहने से पहले पुलिस ने दोनों को निकाला। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर, बांसवाड़ा के बाद लैंडस्लाइड से NH109 बंद, सैकड़ों यात्री रास्ते में फंसे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के एक आतंकी को मार गिराया गया, दूसरे एनकाउंटर में 2 से 3 आतंकी गिरे, सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ अभियान जारी। कॉमनवेल्थ गेम में मीराबाई चानू ने देश का गोल्ड का इंतजार खत्म किया, चानू ने दिलाया भारत को अपना पहला गोल्ड मेडल, 49 किलो वेट कैटेगरी में जीता गोल्ड। मीराबाई चानू के गोल्ड पर देश भर में जश्न, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई, पीएम मोदी ने कहा मीराबाई चानू ने भारत को एक बार फिर गौरवान्वित किया, पीएम मोदी के अन्य खिलाड़ियों को भी जीत पर बधाई दी। क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की लवलीन बोरगोहेन, न्यूजीलैंड की बॉक्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, अब मेडल से महज 1 जीत दूर है लवलीना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पाकिस्तान से मुकाबला, पदक की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी, इससे पहले दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं।